खाता हूँ। यहाँ फोल्डिंग हो रही है कॉपी, कैसे कॉपी फोल्ड हो रही है सर थोड़ा दिखाइए। तो इस तरह कॉपी फोल्ड करके ऐसे कॉपियां तैयार की गई है। ये आपका इसमें 5 से 10 मिनट कॉपी रहेंगी ताकि कॉपी प्रेस हो जाए। तो ये हमारा फिलअप हो गया, और दिखाइए फिनिशिंग कैसी आई है फिलअप का। ये जो हमारा पंचिंग हुआ है इसकी फिनिशिंग कैसी है। ये स्पाइरल मशीन है, इसमें आपका वो रिंग वाला कॉपी बनता है। एक बार में देखो, हाँ देखो, एक बार में देखिए 250 से 300 पेजेस पे एक बार स्टिच कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये 12 महीने चलता है। जो बच्चा रहता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को नोटबुक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपकी कम होगी तो 20 इंच का कटिंग मशीन आपको मिल जाएगा, 26 इंच का भी मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपको 36 इंच का भी कटिंग मशीन मिल जाएगा। बिल्कुल देखिए, इस तरीके से नोटबुक निकलती है, देखिए पूरे प्रॉपर कटिंग होके ये चीजें निकलती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ नोटबुक मशीन इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं नोटबुक मशीन का सारा सेटअप है यहाँ पे। तो ये मैं आया हूँ समस्तीपुर बिहार में। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कॉपी फोल्ड होता है, प्लस कैसे स्टिचिंग होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। आइए, कॉपी फोल्डिंग कर रहे हैं। ये जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ फोल्डिंग हो रही है कॉपी, कैसे कॉपी फोल्ड हो रही है सर थोड़ा दिखाइए। तो इस तरह कॉपी फोल्ड करके ऐसे कॉपियां तैयार की गई हैं, और ये कॉपी रेडी होने के बाद ये आपको जाएगा स्टिचिंग मशीन पे। सही बनाइए इसको, आप दाब प्रेस में रखी जाएगी कॉपियां को। ये आपका इसमें 5 से 10 मिनट कॉपी रहेंगी ताकि कॉपी प्रेस हो जाए। अब ये सारी कॉपियां बाहर निकलेंगी। देखिए ये आपका जो उभरा उभरा था ये आपका स्लिम हो चुका है, अब ये स्टिचिंग पे जाएगा। तो ये हमारा पिनअप हो गया, और दिखाइए फिनिशिंग कैसी आई है पिनअप का। ये जो हमारा पंचिंग हुआ है इसकी फिनिशिंग कैसी है, कैसा कॉपी का फिनिशिंग है जो पंचिंग हुआ है। सही है ना। ये हमारा स्पाइरल मशीन है, जैसे कि इधर पास में दिखाइए, ये स्पाइरल मशीन है, इसमें आपका वो रिंग वाला कॉपी बनता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नितिन छावड़ा ऑलिमर सर्विस से फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के मैंने फिर विजिट किया है यहाँ पे दिल्ली में। आज आपको लेके आया हूँ ESP इंजीनियर्स में, जहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक आइडियाज मैंने बिजनेस आइडियाज दिए हैं। बट आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बच्चों को लेके नोटबुक में, नोटबुक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्कूल्स में हर दुकान पे हर शॉप पे आपको मिलने वाली है नोटबुक की वैरायटी। तो चलते हैं यहाँ के जो मैनेजर है, एक बार मेहंगा मैम से बातें करते हैं। मेहंगा मैम बहुत बहुत नमस्कार है मैम, कैसे हैं। मैम आप कैसे हैं। मैम मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया मैम। मैम जैसे आज हमें मौका मिला है ESP इंजीनियर्स को एक यूनिक बिजनेस आइडियाज को हमने व्यूअर्स आगे तक रखना, आज हम क्या क्या बिजनेस देखने वाले हैं आपके साथ। आपके लिए लेकर आई हूँ नोटबुक मेकिंग मशीन का जो बिजनेस है वो आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, उसमें लाखों रुपए। बिल्कुल, ये जो बिजनेस है आपका ये 12 महीने चलता है। जो बच्चा रहता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को नोटबुक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हिसाब लिखने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो, हर इंसान को इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आइए मैं आपको जो मशीन दिखाती हूँ जी, इसमें हमारे पास पहला जो मशीन आता है वो कटिंग मशीन आता है। बिल्कुल मैम, इसमें आपको इसमें जो आपका हमने यहाँ पे रखा हुआ है सेमी ऑटोमेटिक का 32 इंच का कटिंग मशीन रखा हुआ है। बिल्कुल। अगर रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी तो 20 इंच का कटिंग मशीन आपको मिल जाएगा, 26 इंच का भी मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपको 36 इंच का भी कटिंग मशीन मिल जाएगा। जी मैम। फिलहाल जो हमने रखा है 32 इंच का कटिंग मशीन यहाँ पे सैंपल के तौर पे रखा है सेमी ऑटोमेटिक। बिल्कुल। इसमें क्या है, इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, मैनुअली भी यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हो। जी। मोटर इसमें लग जाती है 2 HP तक का। बिल्कुल। तो देखिए इसमें मोटर भी है, पूरी सेमी मैनुअल मशीन्स हैं। नोटबुक देख लीजिए मैम, नोटबुक दिखाइए कैसे निकलती है कटिंग होके यहाँ पे। ये देखिए, और एक
तरीके से इसमें नोटबुक निकल रही है। बिल्कुल देखिए इस तरीके से नोटबुक निकलती है, देखिए पूरे प्रॉपर कटिंग होके ये चीज़ें निकलती हैं। पर देखिए क्वालिटी देखिए इसकी, ये देखिए एक एक चीज़ आप क्वालिटी में देख सकते हैं। यह स्टेशनरी है मैम, मैम ये कटिंग होके जो नोटबुक है कितने में निकलती है और कितने में मार्केट में बेचा जा सकता है इसे? आप हाँ जी, जो आपके 10 रुपए का नोटबुक बनके जो तैयार होता है वो 3 से 4 रुपए में आपका बनके तैयार हो जाता है। अगर आप उसको होलसेल में बेचते हैं तो 7 से 8 रुपए में आराम से बेच सकते हैं, इसमें आपको 2 से 3 रुपए का मार्जिन आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए जो ये 10 रुपए की नोटबुक है वो 3 से 4 रुपए में आपको बनने को तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं स्टिचिंग में, मैम स्टिचिंग दिखाई पड़ा था। स्टिचिंग में हमने जो यहाँ पे रखी है ये ऑटोमेटिक स्टिचिंग है जी। 1 HP का इसमें मोटर लगा होता है जी। इसमें जो 250 पेजेस से 300 पेजेस तक का आराम से स्टिच कर लेता है एक बार में। हाँ जी, देखो देखिए एक बार में देखिए 250 से 300 पेजेस पे एक बार स्टिच कर लिया जाता है। और ये देखिए इसी में अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट मैनुअल में है तो मैनुअल में भी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, मैनुअल में भी हमने रखी हुई है। बिल्कुल, अगर आप मैनुअल चाहते हैं, थोड़ा बजट आपका कम है तो आप मैनुअल मशीन के ऊपर जा सकते हैं, मैनुअल भी आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैम कॉस्टिंग की, कितना कॉस्टिंग से बिजनेस स्टार्ट कर हो जाता है मैम? इसमें आपका 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है आराम से आपका बिजनेस। 1.5 लाख में? बिल्कुल, आपका मैनुअल प्राइस वो आता है, सेटअप आता है वो 1.5 लाख से स्टार्टेड होता है। बिल्कुल, जो आपका थर्ड मशीन आता है पूरा सेटअप का वो आता है एज स्क्वायर। बिल्कुल, एज स्क्वायर का जो वर्क होता है वो होता है आपके जो बैक साइड रहती है नोटबुक की उसको स्क्वायर करने का जो काम होता है वो एज स्क्वायर का होता है। 51 सेंटीमीटर का जो एज स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा हुआ है सैंपल के लिए। बिल्कुल, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 30 सेकंड तक आपके नोटबुक को डैप करने करके रखना होता है। बिल्कुल, और प्रॉपर सेविंग के साथ आपकी जो नोटबुक बनके पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बिल्कुल, इसी के रिप्लेस में अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, आपके आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और आपको इजिली वर्क करना है तो उसमें आता है ये मैनुअल वाला डैप प्रेस। बिल्कुल, इसमें जो होता है आपकी नोटबुक बनके तैयार तो हो जाती है बट उसमें क्या होता है बैक साइड में राउंड वाला शेप आता है, स्क्वायर वाला शेप नहीं आता है। आपकी 24-25 रुपए की जो नोटबुक आती है उसके लिए वो एक प्रॉपर शेप सही लेके आता है। बिल्कुल, वहीं पे रजिस्टर वगैरह आप प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको स्क्वायर वाला शेप लाना बहुत जरूरी होता है जो एज स्क्वायर में आता है। बिल्कुल, पूरे सेटअप का जो फोर्थ मशीन आता है लास्ट वाला फाइनल मशीन जो होता है आपका नोटबुक बन के जब तैयार हो जाता है तो आपको उसकी पैकिंग की जरूरत पड़ती है लाइक बंडल टाइप में, तो वो मशीन आती है ये वाली श्रिंक वाली, इसमें आपको सारे नोटबुक बंडल की तरह पैक करनी होती है। जी बिल्कुल, देखिए बंडा की तरह अगर पैकिंग करते हैं तो आपको ये मशीन की भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल पड़ रही है। ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक है। बिल्कुल, और मैम इसकी जो आफ्टर जब बात करें अगर 1.5 लाख इन्वेस्ट करेगा कस्टमर तो अगर कोई मशीन में खराबी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, क्या इसकी वारंटी भी दी जाती है कोई? 5 साल की इसमें वारंटी प्लस सर्विस मिलती है आपको। बिल्कुल, यानी भारत में किसी भी कोने में बैठी है मशीन, यानी किसी भी कोने में हो वहाँ पे आपका सर्विस जो मैन है वो जाएगा, वो मशीन ठीक करके आएगा, उसके कोई भी कॉस्टिंग कस्टमर को नहीं पे करनी। नहीं सर, कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करनी। बिल्कुल, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आशा करता हूँ व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी मशीन और लोग फटाफट से फटाफट अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मैम। तो गाइस जैसे माने मैं, क्या नाम है आपका? मेंका। गाइस जैसे मेंका मैम जहाँ पे मैंने विजिट किया आपको बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ दिए बिजनेस की, नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए। ये सारे नोटबुक्स आप घर बैठे बना सकते हैं, स्टेशनरी पे आपको मिल जाएंगे, शॉप्स पे मिल जाएंगे, स्कूल्स पे मिल जाएंगी, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऑलिमा सर्विसेज, ताकि ऐसे लगातार वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ और आप अपना बिजनेस स्टैंड कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।